हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हो गए सुबह के कुछ 5:30 और मैं उठ गया अभी नींद से। अभी हम जाएंगे हमारे अखाड़ा और थोड़ा वर्कआउट भी करेंगे, थोड़ा सीखेंगे भी, और बस थोड़ा 5 मिनट और सो जाता हूँ। मुझे लगा था सुबह सुबह सिर्फ मैं उठूँगा, लेकिन मेरे साथ उठ गई है ये देखो, ये है मेरी मॉम। गुड मॉर्निंग। मम्मी मैं 5 मिनट धूप दे और को। उठ 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 उठ, सोने का नहीं, ओपन बंद देते हैं यार। ओके, तो हम हो गए रेडी और अखाड़ा जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लेना भूलना मत, और वो है ही लंगूट। इसके बिना तो एंट्री भी नहीं मिलेगी। हमने भी ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अभी हम है जाने के लिए रेडी। काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई यार, मेरे तो हाथ ऐसे ठंड से कप कप आ रहे। ये देखो बाकी लोग सारे सो रहे, हम जा रहे अखाड़े में। ओ भाई, एक हाथ से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, आपके लिए कर लूँगा। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, नासिक में तो पड़ गई है, बाकी के एरिया में पता नहीं महाराष्ट्र में और किधर ज़्यादा ठंड है। दोस्तों आपको मालूम है क्या, ये जो 4 महीने जो होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये पहलवानों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महीने होते हैं वर्कआउट के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए। और मैं तो ये 4 महीने में एक भी दिन मिस नहीं करना चाहता वर्कआउट का, क्योंकि यार आप साल भर भी ना करो ना तो भी चलता है, लेकिन ये 4 महीने तो वर्कआउट होना ही चाहिए। काफ़ी हेल्दी वातावरण रहता है यार, ठंड रहती है, जो खाओ जो वो पचता भी है। ये देखिए, ये हमारी गोदावरी नदी है नासिक की। ये हमारा नासिक का स्मार्ट रोड है, अभी अभी बना है, लेकिन पता नहीं इसमें स्मार्ट क्या है, ऊपर करो नीचे कर दिया बस।
पता नहीं इस टाइम कोई होगा भी नहीं अंदर। ओ पहलवान हो हंस कस के यो अस्ताद कौन वीडियो का व्लॉग बनवते है ऐसा का व्लॉग मध्ये चांगले पेड़ मस्त मी छेले पिले करू दे। ये हमारे पहलवान जी अखाड़े के ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल के चैंपियन हमना पहले पास तक है ना। अरे चालू है घर पासून चालू व्लॉग म्हणजे हे सगळं बोलू ते सगळं आलं त्याच्या हां काय टेंशन नको आपण एडिट मारून टाकू। ये हमारा अखाड़ा है मैं काय म्हणतो एवढा ब्लॉग कट कर दरवाजा परत ये ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा अखाड़ा ये दो पहलवान जी इधर लगे वर्कआउट करने में। ये पता नहीं ये साइकिल इधर कैसे आ गई। ओहो ओहो पहलवान जी आप कब आ गए इधर थोड़ा दिवस नंतर ऑपरेशन कसलर सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा अखाड़ा है इधर हम कुश्ती भी खेलते हैं मिट्टी की और ये पहलवान जी इधर दंड मार रहे। ये हमारे हनुमान जी पहलवान जी कितने दंड मार दी 100 ये बात ये हमारे सब ये गदा वगैरह मुदगल वगैरह सब एक मिनट लाइट मार रहा है लाइट ही कूड़े अभी हम जाएंगे मैट के सेक्शन में। ये डबल बार है ये देखिए इतना बड़ा मैट इधर इधर भी एक हनुमान जी तो यहाँ हम सब मैट की प्रैक्टिस करते कुश्ती खेलते और योगा वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह सब करते। अभी थोड़े लोग कम है लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे लोग आएंगे प्रैक्टिस करेंगे मैं भी करूँगा और हम ऐसे ही एक एक वर्कआउट पे एक एक वीडियो डालते रहेंगे बनाते रहेंगे सो उसकी कोई टेंशन नहीं। हमारा चैनल ही इसलिए कि हम एक एक वर्कआउट को एक्सरसाइज को डिटेल में समझे डिटेल में डाले। अभी मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ फ्रेंड्स। अभी हमारे उस्ताद जी आ चुके हैं जो हमें योगा मलखाम और कुश्ती की एक्सरसाइज सिखाते हैं। अभी हम जाके उनसे मिलेंगे। उस्ताद आजपासून आपलं यूट्यूब चॅनल आहे ना त्याच्यावर व्लॉग टाकणार आहे आपण। बरं बरं
तर मग तुमची पण ओळख करून देतो. तर हे आमच्या वस्ताद आहे. वस्ताद तुमचं नाव सांगा नाही. बाबासाहेब गेनाजी गायकवाड. तर हे बहुत अच्छे मलखाम के प्लेयर भी है, कुश्ती के भी प्लेयर आहे. और आज इनकी उम्र है कुछ 60+, लेकिन फिर भी इनका जोश और इनकी बॉडी आज भी 25 ईयर के एज के हम जैसे युवा लोगों को भी भारी पड़ सकती है. वस्ताद, तर आता सांगा तुम्ही काय काय शिकवणार आता आम्हाला? मलखांब, योगा, कुस्ती. तर एवढे सगळे प्रकार आपण शिकणार आहे आता. आजपासून आपण रोज यांचे व्हिडिओ टाकणार आहोत आपल्या चॅनलवर. एक और प्लेयर आहे तांदळे, येसेफ हौदा मारताय. ए तांदळे, अरे व्लॉगमध्ये जरा इंट्रोडक्शन दे तू. खरंच आई शोभ, खरंच खरंच बनवते. ये पूरा आखाडा नॉनस्टॉप मारताय, वो भी 2 या 3 बार. सो वस्ताद भाई हमारे मैट पे आ चुके हैं योगा के वर्कआउट लेने. वस्ताद अभी ना आप एक एक ऐसे एक्सरसाइज बताइए और उसके फ़ायदे और वो करते वक्त क्या क्या गलतियाँ हो सकती है वो भी बताइए. सो हम शुरू कर सकते. तो ये लेग्स के एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग कर से स्ट्रेचिंग करते हम इससे. मैं भी स्टार्ट करता हूँ. नहीं नहीं कहीं. एक मिनट लाइट लाऊंगा. सो इस एक्सरसाइज को हम पद्मासन कह सकते, लेकिन ये स्ट्रेचिंग वाला पद्मासन है. वस्ताद इसके फायदे क्या है? तुम्ही मराठीत बोला क्या? प्रॉब्लम याच्यात गुडघे गुडघ्यात लवचिकता होती, कमरात लवचिकता होती आणि कधी काही तोडमोड होत नाही. अच्छा, इससे घुटने में और कमर में एक लचीलापन आ जाता है और कुश्ती खेलते वक्त जब उल्टा सुलटा हो जाते तो हमें कोई मोड़ नहीं सकता. वस्ताद हे आसनाचं नाव काय? हे सर्वांगासन काही एक प्रकार आहे. सो फ्रेंड्स, अभी ये जो कुछ हो रहा है ये सब वार्म अप के दौर पे भी हम कर सकते हैं. इससे फ़ायदा ये होता है कि स्टार्टिंग में जो बॉडी में थोड़ी थोड़ी गर्मी पैदा हो जाती है, फिर बाद में ज़्यादा वर्कआउट करके उसको और बढ़ा सकते हैं. लेकिन वार्म अप के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए ये बहुत अच्छा है. सो अभी हमारे वस्ताद जी हमें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये जब जितनी सारी अभी एक्सरसाइज उन्होंने करके दिखाई तो वो हम कैसे कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान वो जब नया है अखाड़े में. तो सांगा वस्ताद.
हाँ हे नवीनला कसं करायचं, हे नवीनला लवचिकता येण्याकरता ही ठेप करायची पहिले सुरूला, करून दाखव तो ये पहले स्टेप बता सकते हैं। तो अपने लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करो, कमर में सीधे बैठो और आगे झुको, सिंपल है, दिखने में सिंपल है लेकिन करने में थोड़ा हार्ड है। देखने को अभी कमर की लवचिकता गुड़गे में गुड़गे तायल में क्या करता, गुड़गे मजबूत करें करना दूसरी चीज, हाँ तो ही स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप कैसे करने का वास्तव, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, और अगर ऐसा वस्तात जर असं जात नसल तर हाताने पण उचलू शकतो ना आपण, ते पण दाखवू नये, ते पण दाखवू नये, नवीन आला नया नया में ये होता नहीं है, तो हम ऐसा हाथ से उठा के भी पैर को रख सकते हैं। देखो दोस्तों ये दिखने में तो आसान लग रहा है लेकिन आप, हेलो फ्रेंड्स, कल मेरे मोबाइल के मेमोरी फुल हो गई थी तो मैं उसके आगे की रिकॉर्डिंग नहीं करवाया, लेकिन आज हम उसके आगे के स्ट्रेचिंग और योगा के कुछ और ऐसे प्रकार देखेंगे जिससे आपका लचीलापन बढ़ने में, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने में मदद हो सकती है। तो ठीक है, अभी हमारे वस्ताद जी दिखाएंगे हमें। ओके, अभी वस्ताद जी हमें सर्वांगासन दिखाने वाले, लेकिन वो स्ट्रेचिंग के लिए। इससे आपके कमर में भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, शोल्डर्स में अपने शोल्डर्स मजबूत हो सकते हैं, और गर्दन पे भी इसका ज़्यादा लोड आने की वजह से गर्दन भी मजबूत हो जाती है। ये देखिए इनके पैर के अंगूठे ऐसे ज़मीन को टच होते हैं, आपके भी ऐसे टच होने चाहिए। दोस्तों योगा दिखने में आसान होता है लेकिन करने में उतना ही टफ होता है, और उससे मिलने वाले फ़ायदे बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। अभी ये क्रॉस लेग टच कर रहे हैं ज़मीन को, मच्छर बहुत ज़्यादा इधर ठंड में भी ज़्यादा मच्छर काटते, आप इसे स्टार्टिंग में धीरे धीरे भी कर सकते हैं, ज़्यादा लोड देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे पद्मासन डाल के अपने दोनों थाइज ज़मीन को टच करने रहते हैं और दोनों हाथ ऊपर करते हैं। दोस्तों ये पोजीशन इतना सही है, मैं बताऊँ मैंने ट्राई किया है, पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है इससे। पूरा आपका कमर से नीचे और कमर के ऊपर की पूरी बॉडी, चेस्ट से लेकर अपने पैरों तक टोटल रिलैक्सेशन मिल जाता है। योगा करना ज़रूरी है वर्कआउट से पहले दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी जो नींद से डायरेक्ट उठ के आप अगर वर्कआउट करेंगे तो अपना हाथ पैर में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन योगा से वही स्ट्रेचिंग करने से वो तकलीफ नहीं होता। अभी पद्मासन में बैठ के इन्होंने ओके ऐसे हाथ डाले,
ये बॅलन्स करणं बी बहुत मुश्किल आहे. का वाजतात बॅलन्स होत नाही लवकर, आहे ना? लईच मच्छर झाले ना तिथं. हा ना, धूर उद्या अगरबत्ती आणतो आपल्याला, यावर करू देणार. ते गौरे आणू का मी जाळायला? गौरे गौरी पाहिजे. टाकतो मानवाचा पाय आणि मुठखडा ओठातली खूप बिमारीला सपोर्ट करतो. अभी वस्त जी जो योगा दिखने वाले है वो काफी मुश्किल है, वो काफी प्रैक्टिस के बाद आता है ये बात. वस्त या योगाला नाव काय? जितना दिखता है उतना आसान नहीं है दोस्तों, आप ट्राई करके देख लो. ठीक है वास्तव आज साठी एवढं. हां पहिले त्यांना एवढे चार पाचच ट्राय करायला देऊ नाही. दोस्तों योगा के इतने सारे प्रकार है कि पूरा साल कम पड़ जाएगा. हम आपको सब एक 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 दिखाएंगे. पहले आप इतने ये जो थे ये बहुत ही बेसिक प्रकार थे. आप पहले इसको ट्राई कर लो घर पे, अपनी स्ट्रेचिंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लो. हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे योगा पे, बाद में वर्कआउट पे. व्यवस्था के पास इतने सारे प्रकार सिखाने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते. मलखम के, योगा के, कुश्ती के बहुत सारे प्रकार सीखने को मिलेंगे. आप इनकी उम्र है अभी 62-63, लेकिन इस उम्र में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी शायद किसी की हो. दोस्तों अभी हम स्टार्टिंग से अब तक जितने बेसिक्स योगा सीखे हैं वो वस्ता जी हमें फिर से करके दिखा रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप ये ट्राई कर लो घर पे, देख लो एक बार. हम वीडियोस डालते रहेंगे आगे की भी, लेकिन पहले आप ये बेसिक्स ट्राई कर लो. आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आनी चाहिए. ध्यान से देखना दोस्तों कैसा पकड़ा है इन्होंने. पुराने समय में जो बड़े बड़े मल्ल योद्धा रहते थे, कुश्ती खेलने वाले रहते थे, वो पहले योगा ही करते थे, है ना वास्तव? सांगा ना थोड़ा त्यांच्या विषयी. कृष्ण बळीराम ऋषीमुनी हे पहिले योगा करायचे. ते योगाच्या योगाने 150 वर्षे, 200 वर्षे, 225 वर्षे असे जिवंत राहत होते. आणि हे योगा केल्याच्या योगाने आपल्याला शरीराला संजीवनी भेटते. म्हणजे जसं आपल्याला योगा केल्याच्यानंतर सगळं शरीर मजबूत होतं,
हाडामध्ये ताकद येते, लवचिकता होते. ऑक्सिजन जरी गाडीहून झाला तरी मोडतोड होणार नाही, हातपाय तुटणार नाही, काहीच नाही, दवाखान्यात जायची गरजच नाही. असे हे योग आहेत. आणि ताकद जास्त वाढते, खूप ताकद वाढते, दिसत नाही पण मधून वाढते. आता हे प्रकार दाखवतो ताकदीचा. हा मग असतं आता ताकदीचे नंतर पहिले हेच ठीक आहे. एक एक